अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैनवस के ऊपर ब्रश के साथ कैलीग्राफी की प्रैक्टिस की थी। ये हमारे पास पुराना कैनवस है, ये वही वाला कैनवस है जिसके ऊपर हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी कि हम ब्रश के साथ किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स होते हैं जो कि कलम से तो अच्छा लिख लेते हैं लेकिन जब वो कैनवस पे ब्रश के साथ राइटिंग करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है कि हम ब्रश के साथ किस तरह से लिखें, क्योंकि ब्रश की होल्डिंग, कलम की होल्डिंग से ब्रश को हैंडल करना कलम से हैंडल करने से टोटली डिफरेंट है। हम उसको उतना ईजीली, कलम को हैंडल करना आसान है लेकिन ब्रश से लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसकी ग्रिप थोड़ी सी मुश्किल से आती है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में यही सीखा था कि हम ब्रश के साथ कैनवस के ऊपर कैलीग्राफी किस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये कैनवस था लास्ट प्रैक्टिस का कि हम उसके साथ किस तरह से करेंगे। अब क्या करना है, क्या होता है कि ये कैनवस जो है हम दोबारा ये जो प्रैक्टिस है इसके ऊपर हम बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपका कैनवस ज़ाया हो गया या आप इतना कॉस्टली कैनवस लेके आप अपने पेंट भी लगाएं, आप अपना उसके प्रैक्टिस भी सीखें तो जो है ये आप बिल्कुल इसको जो है आप वेस्ट कर दें। नहीं, हम दोबारा से इसको देखते हैं कि हम किस तरह से इसको रीयूज़ कर सकते हैं इस कैनवस को। हम इसको सबसे पहले प्राइम करेंगे। प्राइम करने के लिए मेरे पास यहाँ पर जस्ट जो है ये ब्रांड है सोलोमोन्स का, मेरे पास ये जेसो है, हम वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये जेसो, इससे क्या होता है कि बेसिकली हम जेसो करते क्यों हैं, ये कैनवस जो है कि हमारे पास एक कपड़ा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर जेसो की लेयर बनाते हैं, अपना कैनवस प्रिपेयर करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो जैसे कपड़े के ऊपर सुराख होते हैं, इस तरह से कैनवस भी एक कपड़ा ही है तो इसके ऊपर भी पोर्स होते हैं। ये जो हमारे पास ये जैसो जो होती है, जो प्राइमर होता है, ये इन पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पेंट्स होता है वो इन पोर्स से पेनिट्रेट नहीं करता है तो इसके ऊपर स्टक हो जाता है। ये नहीं है कि वो बैक साइड पे पोर से बैक साइड पे चला जाता है या वो पेंट खराब होता है। जैसो का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके जो ये पोर्स होते हैं कैनवस के क्लॉथ के ऊपर, ये ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं जैसो, ये हमारे पास जैसो है, एक थिक सा क्रीमी टेक्सचर आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल एक लिक्विड सा क्रीमी टेक्सचर होता है जैसो का। आप इसको किसी भी चीज़ में जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। हाँ जी, ये हो सकता है कि अगर जैसो ज़्यादा थिक हो तो आप इसको वाटर में मिक्स कर सकते हैं तो लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है। हम इसको इसी तरह से डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम इसको मॉइस्चराइज कर लेते हैं, जो कैनवस है इसको हम मॉइस्चराइज करेंगे और इसके ऊपर डायरेक्टली हम जेसो अप्लाई कर देंगे। मेक श्योर कि आपका जो पेंट है वो ड्राई हो, ठीक है, इतना भी पानी नहीं लगाना कि आपका जो कैनवस है वो बिल्कुल ही गीला हो जाए। बस आपने उसको जो है वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज करना है कैनवस को। एक्रेलिक पेंट्स यूज करने का भी होता है कि आप जब भी एक्रेलिक पेंट्स यूज करें तो हमेशा अपने कैनवस को मॉइस्चराइज लाजमी करें। तो हम यहाँ पर एक लेयर लगा देंगे जैसो की, हमने जैसो कि एक लेयर अप्लाई कर ली है। अगर आप देखें तो अभी वर्क जो है वो हमारे प्रोमिनेंट हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं जैसो कि एक लेयर से। तो हम इसके ऊपर एक डबल कोट दोबारा से करेंगे। पहले हम इसको जो है वो थोड़ा ड्राई होने देते हैं। यहाँ पर आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो जैसो है वो एक ही
साइड को अप्लाई करनी है। ये भी है कि आप कुछ जो है वो इस तरह से अपवर्ड कर, ये हॉरिजॉन्टल कर दें, कुछ वर्टिकल कर दें, आपने इसको एक ही डायरेक्शन में रखना है, नहीं तो फिर ये कैनवस के ऊपर उसकी स्मूथ नहीं बनेगा और उसके ऊपर जो है वो टेक्सचर सा क्रिएट होता जाएगा और राइटिंग आपकी इतनी स्मूथ नहीं होगी अगर आप भी नहीं जाए। इसको ड्राई होने देते हैं, इसके ऊपर एक डबल कोट हम दोबारा करेंगे। ये हमारी एक लेयर जो है वो ड्राई हो चुकी है, अब हम इसके ऊपर सेकंड लेयर अप्लाई करेंगे, सेकंड कोट करते हैं। तो मुझे जैसे थोड़ी सी थिक लग रही है तो मैं इसको हल्का सा डैम कर लेती हूँ। अगर आप देखें सेकंड कोट से ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाइड हो चुका है, ये आपको बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा, ये सारा जो है वो इससे कवर हो गया है, बहुत लाइट रह गया है। ये जब हम इसके ऊपर दोबारा से इसको यूज़ करेंगे या इसके ऊपर अपनी कोई कैलीग्राफी करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो वो पेंट से कवर हो जाएगा, उसको इतना ज़्यादा जैसे भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं आपको, बस आप उसको डबल कोट करें। उसके बाद जब हम बैकग्राउंड बनाएंगे इसके ऊपर तो ये आपको फील भी नहीं होगा कि आप इसके ऊपर ये कैनवस पहले से यूज़ हुआ हुआ है या इसके ऊपर कुछ था, ये सारा जो है वो हाइड हो जाएगा। ये हमने डबल लेयर कर लिए जैसे कि, तो ये हमारे पास बैकग्राउंड है, अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है, आपको नज़र आ रहा है कहीं कहीं से लाइट लाइट सा जो है वो आपको नज़र आ रहा है, उतना जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट हो चुका है, इतना ज़्यादा नहीं है। इसके ऊपर जब हम कैलीग्राफी के लिए बैकग्राउंड बनाएंगे किसी भी कलर से तो ये बिल्कुल हाइड हो जाएगा, आप कोई भी कलर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा नीचे से। तो आप इस तरह से इसके ऊपर अगेन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस करनी नहीं करनी है या आप वैसे कैलीग्राफी करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर एक बैकग्राउंड बिल्ड करें, आप वहाँ पर अपना कोई भी आर्ट जो है वो करना चाहें आप इसको इजीली कर सकते हैं। कैनवस आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, इस तरह से आप इसके ऊपर कैनवस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये एक जैसे जो है ये प्राइमर जो है ये इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता है, ये वाला भी ये वाला जो है ये आप ये काफ़ी अच्छा है, मैंने दो तीन ब्रांड यूज़ किए हैं लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, ये वाला ब्रांड अच्छा सोलोमोंस का। तो आप ये इसके जो है ये इसकी बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।